बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब ये जो सा है इस तरह से हम इसको हलाएंगे और इसकी बहुत अच्छी डेकोरेशन हो जाएगी। ये जी बटर डाल के भी हम लोगों ने कर दिया है और ऊपर ये इस तरह से जो से हम इस पर गार्निशिंग कर देते हैं। अस्सलामु अलैकुम नाज़नीन, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोग अपने चिकन विद नाज़िम एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार बटर चिकन की रेसिपी लेकर आए हैं। तो झटपट शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और बिना टाइम ज़ाया किए, लेकिन इससे पहले आप सब देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से हमारे चिकन विद नाज़िम के साथ जुड़ जाएँ, इसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिर यहाँ पर मैंने 1 kg जोन सा है वो चिकन ले लिया है, ठीक है। अमूमन जो बटर चिकन के लिए है वो हम लोग बोनलेस बोटी जो है वो यूज़ करते हैं, लेकिन मैं जो सा है ना थोड़ा सा मतलब यूजुअली जो हम लोग चिकन मंगवाते हैं वही चिकन यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर मैंने इसका कट्स लगा लिए क्योंकि हमने चिकन को पहले करना है मैगिनेट, तो इसलिए मैंने इसके अंदर कट्स लगा लिए हैं। तो इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच शामिल किया है और 1 चम्मच जो सी है वो मैं सुरख मिर्च का ही शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इससे कलर इसका बहुत प्यारा आ जाएगा और जो सा टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा बन जाएगा। और हसबे ज़रूर जो सा है वो नमक, बस अच्छे से। अब इन तमाम सब चीज़ों को हम लोगों ने जो सा है वो मैगिनेट कर लेना है। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और, अगर आप लोग के पास लेमन है तो आप लोग लेमन भी ऐड कर सकते हैं। इन केस अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप लोग इसके अंदर विनीगर भी ऐड कर सकते हैं। तो लिटिल बिट जो सा है विनीगर वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये तो फिर चिकन को अच्छे से मैंने मैगिनेट कर लिया है और अब इसको हम मैगिनेट करके हम लोगों ने तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए, अगर आपके पास टाइम है तो 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दें, अदरवाइज़ अगर नहीं है तो इसको एटलीस्ट आपने इसको आधे घंटे के लिए लाजमी छोड़ना है, ठीक है। तो अब इसके दूसरे स्टेप की तरफ आ जाते हैं, चिकन को मैगिनेट करके छोड़ देते हैं। तो व्यूअर्स अब हम लोग आ गए हैं अपनी बटर चिकन के सेकेंड स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 से 5 चम्मच जो है कुकिंग ऑयल का लिया है, इसके अंदर प्याज शामिल कर रही हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2 दरमियाने साइज के हम लोगों ने प्याज लिए हैं, इसको हम लोगों ने हल्का सा जोन सा है सॉफ्ट कर लेना है घी के अंदर। ये तो व्यूअर्स मैंने इसके अंदर तकरीबन 4 अदद जो से टमाटर भी शामिल कर दिए हैं, सिंपली वही हम लोग इसको जोन सा है वो भून रहे हैं, इसके अलावा मैं कोई इसके चीज़ शामिल नहीं की। अच्छा, अब हम आ जाते हैं स्पाइसिस की तरफ। तो इसके अंदर मैंने जो शामिल करनी है 1 टेबल स्पून शुगर मतलब चीनी और 1 टेबल स्पून ही सुरख मिर्च पाउडर, हसबे ज़रूर जोन सा है वो नमक हमने शामिल किया इसके अंदर, और हम लोगों ने फिर शामिल करना है थोड़ा सा गरम मसाला। अब सिरका, ये भी हम लोगों ने जो है सिर्फ 1 चम्मच बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शामिल करना है इसके अंदर। और इसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर जो शामिल करना है डबल लास्ट इंग्रेडिएंट चिली सॉस, बस ये भी हम लोगों ने तकरीबन 1 टेबल स्पून ही शामिल किया। अब अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है हम लोगों ने, और ये जो हमारे बटर चिकन की ग्रेवी है इसको हम तैयार करेंगे। होटलों वाले भी यही करते हैं कि वो इस ग्रेवी को बना के ना ग्राइंड करके रख लेते हैं, हम लोगों ने इसको ग्राइंड करना है। लेकिन पहले हम लोग इसके मसाले के अंदर स्पाइसेस वगैरह सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लें, डाल के पका लें और फिर इसको हम लोग ग्राइंड करेंगे। तो जैसे उनको ऑर्डर आता है फटाफट आपको जो है वो तैयार करके रेसिपी दे देते हैं। तो अब इसको मैं पकने के लिए रख लूँ, 5 मिनट बाद ठंडा करके इसको ग्राइंड करते हैं। ये तो व्यूअर्स अब मैंने वही जो सा हम लोग यहाँ पे तैयार करें बटर चिकन की जो ग्रेवी हम लोगों ने तैयार करनी ठंडी हो गई थी, तो मैं अब इसको ब्लेंड करने लगी हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो व्यूअर्स जो से मैगिनेट किया हुआ चिकन है एक दफ़ा दोबारा फिर से मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, ठीक है। सब जो से पीसीज हैं इनको हिला लिए अच्छे से, और यहाँ पर ये देखें आप जो हम लोगों ने इसकी ग्रेवी उसको भी हमने यहाँ पर ब्लेंड कर लिया, ठीक है। अब इस चिकन को जो सा है हम लोगों ने शैलो फ्राई करना है चिकन को, ठीक है। इससे पहले थोड़ा सा जोन सा है ये बटर मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और फिर चिकन हम लोगों ने शामिल करना है। बहुत ही मज़ेदार तरीके से चिकन हम लोग फ्राई करेंगे क्योंकि हमारी बटर चिकन की रेसिपी है, तो बटर भी हम लोगों ने डाल लिया है और थोड़ा सा मैंने जो है कुकिंग ऑयल भी शामिल किया है, और फिर इसको हम लोग फ्राई कर लेते हैं। बाकी जो सा चिकन है वो सब के सब मैं इसके अंदर वो डाल देते हैं। अच्छे से हम लोगों ने इसको डाल के शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई हम लोगों ने नहीं करना है चिकन को, और फिर मैं आपको फ्राई करके थोड़ा सा जब कलर चेंज होता है आपको दिखाती हूँ।
तो व्यूवर्स आप लोग देख सकते हैं कि चिकन ने जो से कितना सारा पानी छोड़ दिया, ठीक है। हम लोगों ने इसमें बटर भी शामिल किया, कुकिंग ऑयल भी हम लोगों ने शामिल किया है। तो बटर के अंदर ही हम इसको जो है वो फ्राई कर रहे हैं, हम लोगों ने शैलो फ्राई करना है और फिर इसके साइड को जो हमने चेंज करना है। इसी के दौरान मतलब काफ़ी जो चिकन है हमारा पक जाएगा और कलर इसका चेंज होना शुरू हो जाएगा और ये जो है शिलिंग हो जाएगा। तो इसको मैं फ्राई करके फिर बाकी बाद में इसके जो ग्रेवी उसकी तरफ हम लोग आते हैं। टू गुड ऑसम, इतनी प्यारी माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना यहाँ पर बटर की भी, क्योंकि बटर में हम लोग इसको फ्राई कर रहे हैं तो बहुत ही मज़ेदार जो बटर की खुशबू हुई हुई हमारे किचन में। तो आई होप व्यूअर्स की जो सी आपको बटर चिकन की रेसिपी कुकिंग विद नाज़िम में आप लोगों को सिखाई जा रही है पसंद आएगी। पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दें और हमारे से कुकिंग विद नाज़िम को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। ये आप लोगों का प्यार और हमारी हौसला अफजाई है। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को हम लोग जारी रखते हैं और आप लोगों से मिलते हैं तकरीबन 10 मिनट के बाद। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, वीडियो को पूरा देखना है, लाइक करना है और इस बटर चिकन की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। जी तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि जो चिकन बिल्कुल फ्राई हो गया है, इसको शैलो फ्राई हम लोगों ने कर लिया है। तो अब इसके दूसरे स्टेप की तरफ आ जाते हैं, बस थर्ड स्टेप की तरफ आ जाते हैं, जो हम लोगों ने इसकी ग्रेवी तैयार करनी है बटर चिकन की। तो चिकन को हम लोग कर लेते हैं साइड पे और उसकी ग्रेवी की तरफ आ जाते हैं। तो व्यूअर्स अब मैंने कढ़ाई के अंदर जौन सा है वो बटर शामिल कर दिया है। इसी बटर के अंदर जौन सा है हम लोग मज़ीद जौन सी अच्छी अच्छी मज़ेदार चीज़ के टेस्ट और फ्लेवर के लिए चीज़ें डालने जा रही हैं, वो है दालचीनी, बड़ी इलायची और ये छोटी सब्ज इलायची 4 से 5 अदद। इन चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे से इस मक्खन के अंदर जो है वो भून लेना है, इतना कि जब तक जो है इनकी खुशबू आनी शुरू नहीं हो जाती। और ये तेज़पत्ता भी मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। तो अभी बहुत अच्छे से हम लोगों ने मक्खन के अंदर इन चीज़ों को ये रखें कलर कर लिया है, ठीक है। अब हम लोगों ने वही जैसा ब्लेंड किया हुआ मसाला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शामिल कर देना। माशाल्लाह खुशबू बहुत मज़ेदार आ रही है जो से मक्खन की हम लोगों ने इसके अंदर भूना है ना चीज़ों को, बहुत ही आला बहुत ही आला। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। जब हम लोगों ने इस ग्रेवी के अंदर भी जो सा है वो बटर शामिल कर देना, ये बटर हम लोगों ने शामिल कर दिया, अच्छे से इसको हम लोगों ने मिक्स कर लेना। ये देखें 5 मिनट हम लोग इसको पकाते हैं, इसके बाद जो चिकन हम लोगों ने तैयार किया है वो अपने इस बटर की ग्रेवी में हम लोग शामिल कर देते हैं। तो व्यूअर्स आई होप कि आपको जो सी आज की हमारी रेसिपी है बटर चिकन की पसंद आएगी। पसंद आए तो हमें फीडबैक दें और हमारे चैनल को भी दादा को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ये आप लोग का प्यार और हमारी हौसला अफजाई है। तो 5 मिनट के बाद आपको फिर दोबारा दिखाते हैं। व्यूअर्स जब 5 से 10 मिनट हो चुके तो वही चिकन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है और अब इस चिकन को भी अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेते हैं। यूजली बटर चिकन में जो है बोनलेस चिकन यूज़ किया जाता है, लेकिन आप लोगों को अगर दावत है और आपको बटर चिकन बनाना है तो ये बेहतर है कि आप इस तरह ही जो चिकन को मंगवा के उसकी रेसिपी को तैयार कर लें। तो अब मैं इसको 10 मिनट पकने के लिए रख रही हूँ और इसके बाद इसके अंदर जो सा फाइनल लुक देंगे, एक दो इन्ग्रीडियंट्स और है जो हम इसके अंदर लास्ट में शामिल करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है और कहीं नहीं जाना। तो व्यूअर्स अब लास्ट में हम लोगों ने इसके अंदर जो से सूरी मेथी भी शामिल करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बस 5 मिनट हम लोग इसको पका के फिर जो से हमारी रेसिपी इसको फाइनल कर लेते हैं। जी तो व्यूअर्स अब ये देखें जो सा हमारा बटर चिकन हो गया है तैयार। अब मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट करके आपको डिस्टर्ब करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम लोगों ने ये बटर इसके अंदर शामिल कर दिया और अब ये जो सा है इस तरह से हम इसको हिलाएंगे और इसकी बहुत अच्छी डेकोरेशन हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये देखें जी बटर डाल के भी हम लोगों ने कर दिया है और ऊपर ये इस तरह से जो से हम इस पर गार्निशिंग कर देते हैं तो बहुत ही प्यारा इसका लुक आ रहा है। तो व्यूअर्स आई होप कि आपको जो से आज बटर चिकन की रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दें और हमारे चैनल को भी नाज़िर को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो व्यूअर्स लेते हैं हम लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ को हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।